जैज़ की सिम पर 1320 MB फ्री लेने का तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपके पास जैज़ की सिम है तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जैज़ की सिम पर आप 1320 MB फ्री कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास जैज़ की सिम होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप 1320 MB फ्री ले सकते हैं। 500 MB का अलग तरीका होगा और बाकी जो 820 MB होगी उसका अलग तरीका होगा कि ये कैसे कैसे आप ले सकते हैं। दोनों तरीके आपको बताऊंगा, जिसमें टोटल ये मिला के 1320 MB बन जाएगी, जो कि आप बिल्कुल फ्री बगैर किसी बैलेंस के ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास जैज़ की सिम होना जरूरी है। दो तरीके मैं बताऊंगा, 500 MB का अलग तरीका होगा और 820 MB का अलग तरीका होगा। इस तरह ये 1320 MB टोटल बन जाएगी, जो कि आप बिल्कुल फ्री यूज कर सकते हैं जैज़ की सिम पर। तो गाइज, वीडियो पे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो गाइज, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह आप जैज़ की सिम पर 1320 MB हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक पहले छोटा सा काम ये करना होगा, आपने प्ले स्टोर पे जाना है। अगर आपके पास ऑलरेडी वो एप्लीकेशन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे जैज़ वर्ल्ड की जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगी जैज़ वर्ल्ड की एप्लीकेशन। यहाँ पे आपके पास जैज़ की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, अपडेट करने वाली है, तो आपने इस तरह इसको इंस्टॉल कर लेना है। सो नाउ बैक टू द वीडियो। सो इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप देख भी सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल हो चुकी है। इसी तरह आपने भी इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आपने इसको कर देना है ओपन। जब पहली दफा आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये नंबर मांगेगा, तो आपने फौरन जो आपकी नई सिम होगी उसका आपने नंबर देना है अपना। यानी कि इस एप्लीकेशन पर जब आप ओपन करेंगे तो तब फौरन ही आपसे ये नंबर मांगेगा, तो आपने वो नंबर देना है। फिर OTP ये कोड आएगा आपकी सिम पर, वो दे के आपने इस तरह आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। सो मैं आपको बताता हूँ कि वो नंबर, अगर आपने कोई नई सिम का नंबर देना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑलरेडी कोई नंबर दिया हुआ है तो दूसरा नंबर देना है, तो यहाँ पे आपने ये वाला जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, ये नंबर, इसके साथ एक एरो छोटा सा नजर आ रहा होगा, इस पे आपने कर देना है क्लिक। यहाँ पे ऐड नंबर आपको नजर आ जाएगा, इस पे आपने कर देना है क्लिक। इस तरह आप यहाँ पे नंबर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नंबर ऐड करता हूँ जिस पर मैंने फ्री MB लेनी है, जो मेरा नया नंबर। तो ये जो नंबर होगा आपका, ये जैज़ की नई सिम जो आपने पहले एप्लीकेशन पर नंबर नहीं दिया होगा उस सिम पर ये फ्री MB मिलेगी। तो यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ, नंबर टाइप कर दिया मैंने, इस पे कर देता हूँ। अब मुझे OTP नंबर आएगा मेरे सिम पे, ये देखें ऑटोमेटिकली हो गया। अब इस पे करते हैं क्लिक। यहाँ पे ये मुझे नंबर दिखा भी रहा है कि आपका ये कोड है, लेकिन मेरा ऑटोमेटिकली हो चुका है। सो मैं वो वाला नंबर जो मैंने अभी दिया है उसको कर लेता हूँ सिलेक्ट। अब यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास जो डाटा मुझे मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो नंबर देने के बाद जैसे ही आप ये नंबर दे देंगे, आपको 500 MB फ्री मिल जाएगी, जो कि आप यूज कर सकते हैं 3-4 दिन। इस तरह आपको 500 MB मिलेगी। अब आपको बताता हूँ कि 820 MB फ्री कैसे लेनी है। इस तरह आपके पास थोड़ी देर में ये मैसेज भी आ जाएगा कि आपको ये MB मिल चुकी। तो यहाँ पे 500 MB आपको एक मिल जाएगी। अब 820 MB जो बाकी बचेगी वो आपने कैसे लेनी है, वो आपने ये करना है कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा यहाँ पे डेली रिवार्ड का, इस पे आपने कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद इस तरह आपके पास ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 दिनों के लिए फ्री MB जो रिवार्ड हमें मिलेगा वो आप देख सकते हैं। पहले दिन हमें 25 MB मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरे दिन 50 MB मिलेगा, तीसरे दिन 100 MB मिलेगा, चौथे दिन 120 MB मिलेगा, पांचवें दिन 150 MB, छठे दिन 175 MB और सातवें दिन 200 MB। और ये कुल मिला के हमारे टोटल 820 MB फ्री पूरे एक हफ्ते के लिए बनेंगे, जो कि आप पूरा हफ्ता यूज कर सकते हैं। डेली आए और ये फ्री MB क्लेम करें। इसी तरह 820 MB और इसमें अगर प्लस करें 500 MB जो पहले हमें मिल चुके हैं, यहाँ पे जो आप नंबर ऐड करोगे, ये टोटल जो हमारे पास बनेगी ये 1320 MB बन जाएंगे, जो कि हम यूज कर सकते हैं फ्री। बिल्कुल ये फ्री डाटा होगा आपके, इसके लिए जीरो बैलेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।